नमस्कार दोस्तों, मार्केट अपडेट्स के नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और यहाँ पे मार्केट की जो तेजी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है और निफ्टी आज भी यहाँ पे 83 पॉइंट चढ़ के यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो इस क्लोजिंग पे मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए बहुत सारे अपडेट। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज के अपडेट। तो हर रोज की तरह जो पहला अपडेट ले लेते हैं यहाँ पे मार्केट की तरफ से, जहाँ पे कल थी यहाँ पे वीकली सीरीज की एक्सपायरी और मार्केट ने कंसोलिडेशन के बाद आज दोबारा से ब्रेकआउट दे दिया और 10,400 के ऊपर जाके कामकाज करने लगा है। और फाइनली जो क्लोजिंग आई वो 83 पॉइंट ऊपर चढ़ के आई है यहाँ पे। वहीं अगर मैं सेंसेक्स की बात करूँ तो सेंसेक्स भी करीब 269 पॉइंट यहाँ पे चढ़ के बंद हुआ है। अगर टॉप थ्री गेनर और लूजर की बात करूँ तो गेनर में यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे सबसे ज्यादा भागा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे रहा हिंदुस्तान पेट्रोलियम। वहीं अगर मैं लूजर की बात करूँ तो लूजर में हिंदुस्तान यूनिलीवर सबसे ज्यादा गिरा, उसके बाद यहाँ पे यस बैंक, उसके बाद ITC। अगला अपडेट लेते हैं वो आ रहा है यहाँ पे इंटरग्लोब एविएशन की तरफ से, जहाँ पे इंडिगो ने अपनी न्यू फ्लाइट अनाउंस कर दी है यहाँ पे। और जिस तरीके से यहाँ पे जेट की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है उस तरीके से ये कंपनी एक्सपेंशन पे एक्सपेंशन करती जा रही है। और यहाँ पे जो टिकट स्टार्ट हो रही है ये ऑफर टिकट है, वो स्टार्ट हो रही है यहाँ पे 2073 रुपये से। तो अगर आप इस नए रूट पर ट्रेवल करना चाहते हैं तो आप भी चेक करके अपने डिस्काउंट को फ़ायदा उठा सकते हैं। अगला अपडेट ले लेते हैं वो आ रहा है यहाँ पे भारतीय एयरटेल की तरफ से, जहाँ पे जेफरीज के डाउनग्रेड के बाद भारतीय एयरटेल के स्टॉक में करीब 3% की गिरावट देखी गई थी आज के दिन में, बट फाइनली स्टॉक थोड़ा सा रिकवर होकर 2% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। अगला अपडेट ले लेते हैं वो आ रहा है यहाँ पे ग्लेनमार्क फार्मा की तरफ से, जहाँ पे USFDA से इनको अप्रूवल मिल गया है यहाँ पे एक्ने के ट्रीटमेंट के, और इसी के चलते इस दवाई के अप्रूवल के बाद स्टॉक में करीब 2% की रैली देखी गई थी आज के दिन में। अगला अपडेट ले लेते हैं वो आ रहा है यहाँ पे TT के प्रेस्टीज की तरफ से, जहाँ पे स्टॉक में 2% की गिरावट देखी गई थी। और रीजन आ रहा है यहाँ पे CLSA ने डाउनग्रेड किया था स्टॉक को, करीब 27% की डाउनसाइड देख रहा है CLSA। तो इसी डाउनग्रेड के बाद स्टॉक की 2% तक की गिरावट देखी गई थी आज के दिन में। अगला अपडेट ले लेते हैं वो आ रहा है यहाँ पे A2Z इंफ्रा की तरफ से, जहाँ पे स्टॉक में करीब 5% का अपर सर्किट लगा था और यहाँ पे इन्होंने सेटलमेंट कर दिया है 41 करोड़ रुपीज का एडलवाइज का एसेट वीक एलोकेशन का, जो इनका डेट था उसको इन्होंने सेटल कर दिया है। तो काफी पॉजिटिव है, कंपनी ध्यान दे रही है अपने डेट को कम करने पर, तो ये इस कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव है। अगला अपडेट लेते हैं वो आ रहा है यहाँ पे उज्जीवन फाइनेंशियल की तरफ से, जहाँ पे इंटरिम डिविडेंड के न्यूज के बाद स्टॉक में करीब 2% की गिरावट देखी गई थी आज के दिन में। अगला अपडेट लेते हैं वो आ रहा है यहाँ पे BHEL की तरफ से, जहाँ पे नमोरा के डाउनग्रेड के बाद स्टॉक में करीब 2% की गिरावट देखी गई आज के दिन में, और नमोरा करीब 18% की डाउनसाइड देख रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। अगला अपडेट लेते हैं वो आ रहा है यहाँ पे प्रेस्टीज स्टेट की तरफ से, जहाँ पे ड्यूटिश बैंक के अपग्रेड के बाद स्टॉक में करीब 4% का उछाल देखा गया था, और जो यहाँ पे रेटिंग दी है वो बाय की रेटिंग दी है। और फाइनली जो स्टॉक की क्लोजिंग आई थी वो करीब 2% ऊपर ही आई थी। अगला अपडेट लेते हैं वो आ रहा है यहाँ पे आरती ड्रग्स की तरफ से, जहाँ पे स्टॉक के जो बायबैक था उसका अप्रूवल मिल गया, और जो बायबैक का अमाउंट आया है वो करीब 900 रुपए का पर शेयर के हिसाब से आया है। तो एक बार स्टॉक में करीब 3% का उछाल देखा गया था, फाइनली वहां पे मुनाफा वसूली आई और नीचे जाके करीब 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ है स्टॉक। अगला अपडेट लेते हैं वो आ रहा है यहाँ पे SCC की तरफ से, जहाँ पे 8% के उछाल के साथ SCC सुबह के सेशन में कामकाज कर रहा था। और जो खबर आ रही है वो आ रही है यहाँ पे कि एक PE फंड यहाँ पे बाइंग आर्बिट्राइज एक्सपोजर को बाइंग करने जा रहा है, जो भी इनका जो डेट है उसको कम करने में इनकी मदद होगी। तो इसी के चलते यहाँ पे स्टॉक में करीब 8% की उछाल देखा गया था सुबह के सेशन में, और जो फाइनली क्लोजिंग आई है वो करीब 3% के ऊपर की आई है। तो फिलहाल दोस्तों आज के अपडेट इतने ही थे, आई होप ये अपडेट आपको पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूंगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।